हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा किचन। आज मैं एक और न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे वेरी हेल्दी डिश, साग दाल की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 दाल मिक्स दाल ली है, थोड़ी सी अरहर की दाल, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी मूँग की दाल, थोड़ी सी फ्रेंड्स मसर की दाल है। आप कोई एक दाल भी ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है फ्रेंड्स हमें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने साग लिया फ्रेंड्स, चलाई साग फ्रेंड्स से कहते हैं, देखिए इस टाइप का हाफ के जी फ्रेंड्स मैंने चलाई साग लिया है। और थोड़ा सा फ्रेंड्स लाल साग भी ऐड है, आप एक साग भी ऐड कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, तड़के के लिए 3 लार्ज साइज के अनियन को फाइन चॉप करके लिया है, जो हमें फ्रेंड्स तड़का रेडी करना है। एंड फ्रेंड्स देखिए, 3 टमाटर को ग्रेट करके लिया है फ्रेंड्स, 5 हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन, थोड़े से अदरक लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फाइन चॉप करके लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर रखा है, कुकर में 2 गिलास पानी ऐड किया है। कुकर में हम दाल और साग को बॉईल करना है। देखिए फ्रेंड्स, दाल को अच्छी तरह से हमें वॉश करके लेना है फ्रेंड्स। दाल को मैंने ऐड कर दिया है, हरी मिर्च को ऐड करेंगे। नाउ साग को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, अच्छी तरह से वॉश करके एंड फाइन चॉप करके हमें साग को लेना है। इस स्टेज में 1/2 टेबल स्पून नमक एज पर टेस्ट ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से फ्रेंड्स हमें मिक्स करके 3 व्हिसल लगानी है, मीडियम फ्लेम में 3 व्हिसल लगाते हैं। जब तक हमारी दाल साग हो रहा है तब तक हम तड़का रेडी करते हैं। तो चलिए व्हिसल लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, में कढ़ाई रखी है, 3 टेबल स्पून रिफाइंड तेल डाला है, तेल गर्म हो चुका है। नाव इस स्टेज में अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को फ्रेंड्स हमें डार्क ब्राउन करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए कि आपको न्यू वीडियो का अपडेट हमेशा टाइम पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हमें डार्क ब्राउन करना है हाई फ्लेम करके। इस स्टेज में लहसुन अदरक को ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को फ्रेंड्स हमें डार्क ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज में देखिए डार्क ब्राउन हो गए फ्रेंड्स। इस स्टेज में फ्रेंड्स हमें टमाटर को ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, हमें डार्क ब्राउन करके अनियन लेने, अच्छा फ्रेंड्स टेस्ट आता है हमारे साग दाल में। इस स्टेज में अच्छी तरह से हमें सॉफ्ट करना है टमाटर को। नाउ ड्राई मसाले ऐड करते हैं, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल के अच्छी तरह से हमें मसाले को भूनना है। फ्रेंड्स, नाउ दाल को चेक करते हैं, 3 व्हिसल हो गई है दाल साग को। तो देखिए फ्रेंड्स, विशल यू प्रेशर निकालेंगे, चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा साग दाल रेडी हो गया। साग दाल, दाल साग, जो भी आप बोल सकते हो, अच्छी तरह से यूँ चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह स्मूथ हो गया हमारा। इस स्टेज में फ्रेंड्स, सब अच्छी तरह स्मूथ करने के लिए फ्रेंड्स मैं 1 टेबल स्पून आटा डाल रही हूँ। आटा डालने से फ्रेंड अच्छी स्मूथ फ्रेंड्स हमारा साग दाल रेडी होता है। देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारा तड़का भी रेडी हो गया है, अच्छी तरह से भून चुका है। इस स्टेज में फ्रेंड्स साग दाल को डाल देंगे, डाल के अच्छी तरह से फ्रेंड्स तड़के में मिक्स करते हैं, मीडियम फ्लेम करके मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, आप भी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, वेरी हेल्दी रेसिपी फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखें फ्रेंड्स, स्किप ना करें। देखिए फ्रेंड्स, हमारे साग दाल रेडी हो गया है। ऊपर से गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, इस तरह से मिक्स करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, इस स्टेज में थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश करेंगे, चलाएंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेटिंग कर दी है, हेल्दी डिश हमारी रेडी हो गई। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिससे मन करे सर्व करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।